Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to solve a question which is oftenly comes into entrance examination. So let's do. We have a statement. In the given figure, D is the point on BC such that BD is to CD is 1:2. D BC पे एक ऐसा पॉइंट है जो BC को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. यहाँ पर BD कितना है? BD 1 एंड CD 2, राइट? तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O AD का मिड पॉइंट है, इट मीन्स O पॉइंट AD को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ABC will be. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इस ट्राइंगल का एरिया एंड इस होल ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है. BD is to CD, इसको हम लिख सकते हैं BD is to CD. ये कितना है? 1:2. अब देखो यहाँ पर ये रेशियो गिवन है. अगर हमें लिखना हो कि BD साइड कितनी है तो वो 1:k लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि ये रेशियो है, ये कटिंग करके दे रखी है. यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई में हो सकता है, सेम नंबर न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में. तो अगर हमें अकेला BD लिखना है उसको मैं 1k लिख सकती हूँ, अगर CD लिखना है उसको मैं 2k लिख सकती हूँ, एंड अगर मैं इस होल साइड को लिखूँ BC को तो वो कितना हो जाएगा? BD प्लस CD हो जाएगा ना. तो इसका मतलब 1:2, 3k. ओके, अब हमें मालूम है कि हमें एरियाज फाइंड आउट करना है, क्योंकि एरियाज की रेशियो फाइंड आउट करनी है ना, तो पहले एरियाज फाइंड आउट करेंगे. अब होल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ABC ट्राइंगल का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 base × height. बेस हमें मालूम है, हाइट हमें नहीं मालूम. तो चलिए वो भी लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द वर्टेक्स A टू द साइड BC एंड उसकी हाइट H है, ठीक है, ये हम सपोज कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट H बी द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस. बेस कौन सा? BC. ओके, हमने लेट किया है कि BC के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है जिसकी हाइट कितनी है? H, ठीक है. अब हम एरियाज का फॉर्मूला लगा देंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, होल ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बेस कितना है? BC की वैल्यू कितनी है? 3k इंटू हाइट, हाइट कितनी ले रखी है हमने? H. सेकेंड हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है? AOB. देखो AOB फाइंड आउट करना है एंड हमें मालूम है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड जो अगर ये मिड पॉइंट है तो BO क्या है? मीडियन है ABD का, और जो मीडियन होता है वो किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि मीडियन एक ट्राइंगल को ऐसी दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है. तो सबसे पहले हम इस वाली ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड देन इसका एरिया क्या हो जाएगा? इस इतनी ट्राइंगल का हाफ, राइट, बिकॉज BO इज मीडियन. सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ ABD, 1/2, यहाँ पर बेस कितना है इस ट्राइंगल के लिए? BD कितना है? 1k इंटू हाइट, हाइट तो इस बेस पे एक ही बार ड्रॉ होगी ना, परपेंडिकुलर तो एक ही होगा तो वो तो H ही होगा, तो यहाँ पर हम H लिख देंगे. अब हमें कौन सी ट्राइंगल का एरिया चाहिए? OAB एंड वी नो दैट BO इज मीडियन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB equals to 1/2 the area of this whole triangle. ये जो इतनी ट्राइंगल है ना, इसका हाफ होगा ये वाली ट्राइंगल का एरिया. क्यों? बिकॉज BO इज मीडियन. हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ABD. इसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज BO इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल. कौन सी ट्राइंगल? ये जो होल ट्राइंगल है ABD.
ABD। इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए ये वाली होल ट्राइंगल है ना, वैसे तो ये वाली कंप्लीट होल ट्राइंगल बन रही है, बट अगर हम सिर्फ इतने एरिया को देखें तो इन दोनों के लिए होल ट्राइंगल ये वाली है। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, दैट इज हाफ इंटू 1K इंटू एच। एंड वॉट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हम रेशियो लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों की रेशियो ही तो फाइंड करनी है, तो इसको मैं ओवर में लिख रही हूँ। तो अब यहाँ पर ए ओ बी का एरिया ये है, हाफ इंटू 1K इंटू एच ओवर। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, ये हाफ इंटू 3K इंटू एच, यहाँ से लिया ना हमने, ये ए बी सी का एरिया है, यहाँ से लिया हमने ये ए बी सी ट्राइंगल का एरिया, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था यहाँ पे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ पर रीज़न दे सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल, एच से एच कैंसिल, के से के कैंसिल, एंड हमारे पास क्या बचा, न्यूमिनेटर में 1/2 बचा एंड डिनोमिनेटर में ये वाला 3 बचा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई डाला एंड यहाँ पर 3/1 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इतना तो मालूम है ना कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, इक्वल्स टू, तो 1/2 3 6। तो हमारे पास इन दोनों की रेशियो क्या आ रही है, 1/6, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। न्यूमिरेटर में ये वाली ट्राइंगल है तो ये मैंने आगे लिख दी, न्यूमिरेटर में ये है तो ये मैंने बाद में लिखी, और यहाँ क्वेश्चन में भी पहले ओ ए बी है और बाद में ए बी सी है, तो उसी ऑर्डर में लिखना होता है, इक्वल्स टू। यहाँ पर भी सेम, न्यूमिरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 6 है, तो 1:6 इज़ आर आंसर। सो दिस इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।